नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा है, लिहाजा आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और इस बार की कहानी है कैसे बना डॉन। इसमें आपको बताऊंगा कि फिल्म डॉन कैसे बनी और क्यों खास है डॉन और इसके डायरेक्टर। ये कहानी इसलिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि इससे पता चलता है कि कुछ बड़ा या यूं कहें कि कुछ महान जैसा कुछ होना होता है तो उसकी परिस्थितियां अपने आप बनती चली जाती हैं। तो दोस्तों, बात 1967 की है। अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। इस दौरान अफ्रीका के अन्य देशों की तरह यहाँ भी जाति दंगे हो रहे थे, राजनीतिक अस्थिरता भी थी। यहाँ पर एक बारोट परिवार 1930 के दशक से रह रहा था। बारोट साहब के दो बेटे लंदन में सेटल थे। बारोट साहब के पास उनका तीसरा बेटा चंद्रा रहता था। जी हाँ, ये वही चंद्रा बारोट है जिन्होंने इकलौती हिंदी फिल्म डॉन डायरेक्ट की है। अब चंद्रा के पास पहला और एक आसान सा ऑप्शन था कि वे अपने भाइयों के पास लंदन चले जाए, लेकिन उन्होंने मुंबई अपनी बहन कमल के पास जाने की ठानी। और मुंबई जाने की वजह साफ थी, चंद्रा फिल्म बनाना चाहते थे। लिहाजा चंद्रा बारोट मुंबई आ जाते हैं और मनोज कुमार को असिस्ट करने लगते हैं। मनोज जी के यहाँ उन्हें 450 रुपये तनख्वाह मिलती थी। वक्त बीतता रहा। इसी दौरान चंद्रा के फिल्म इंडस्ट्री में कई दोस्त बने, इनमें उनके कई करीबी भी थे। जाहिर है, इसमें फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, फिल्म राइटर, तमाम तरह के लोग थे। यूँ जानिए कि फिल्म बनाने के लिए चंद्रा साहब का एक कुनबा तैयार हो गया था। फिल्म की बारीकियों से वे मनोज कुमार साहब के यहाँ पहले ही रूबरू हो चुके थे। चंद्रा के इन्हीं दोस्तों में से एक थे सिनेमाटोग्राफर नरीमन ईरानी साहब। डॉन बनने की सबसे बड़ी वजह ईरानी ही थे। दरअसल फिल्म में फ्लॉप होने की वजह से नरीमन ईरानी काफी कर्ज में आ गए थे। दोस्त होने के नाते चंद्रा उनकी मदद करना चाहते थे। बस फिर क्या था, एक फिल्म बनाने का आइडिया आ जाता है। चंद्रा ने अपने दोस्तों से बात की, बात बन भी गई और इस तरह आई डॉन। अमिताभ बच्चन, प्राण साहब, सलीम जी, जावेद जी, सीना तमान, सभी ने फिल्म बनाने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। खास बात यह है कि इस फिल्म में प्राण साहब को अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस दी गई थी। यूं कहें प्राण साहब की फीस ज्यादा थी, और हो भी क्यों ना, वो अमिताभ बच्चन से ज्यादा सीनियर थे। बहुत जबरदस्त कलाकार थे, उस समय तक लेजेंड थे। फिल्म शुरू हो गई। फिल्म का बजट महज 25 लाख था। फिल्म बनते बनते एक गड़बड़ भी हो गई। इसी वक्त राजकमल स्टूडियो में नरीमन ईरानी एक शूटिंग कर रहे थे। काफी तेज बारिश हो रही थी। नरीमन एक शॉट की तैयारी कर ही रहे थे तभी उन पर एक दीवार गिर गई। वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। फिल्म का बजट तो पहले से ही कम था, लेकिन ईरानी की मौत पूरी टीम के लिए एक सदमा जैसा था। किसी तरह कतर बेहोत कर फिल्म पूरी की गई, लेकिन तब तक प्रमोशन के लिए पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए ज्यादा टीम टाम ना कर फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया गया। लेकिन इससे पहले, यानी रिलीज करने से पहले, चंद्रा साहब ने मनोज जी को फिल्म दिखाई। मनोज जी ने चंद्रा से कहा, यार फिल्म तो बहुत टाइट है, सेकेंड हाफ तो जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा फिल्म को डाइल्यूट करने की जरूरत है। चंद्रा ने कहा, इसके लिए क्या करना होगा? आइडिया आया, एक गाना डालना चाहिए। और दोस्तों, जानते हैं वो गाना कौन सा है? ये वही गाना है जिस पर हम आज तक झूमते हैं, खई के पान बनारस वाला। वैसे फिल्म में म्यूजिक कल्याण जी भाई आनंद जी भाई का है, पर इस गाने में उनके भाई बाबला की मदद ली गई। खई के पान बनारस वाले को अनजान साहब ने लिखा है। 12 मई 1978 डॉन 120 प्रिंट के साथ रिलीज की गई। दोस्तों, आज की फिल्में हजारों प्रिंट के साथ रिलीज होती हैं, कई थिएटर्स होते हैं। फिल्म कितनी चलेगी इसको लेकर चंद्रा थोड़े सशंकित थे, क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पाया था। इसकी कुछ और भी वजहें थी, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही यश चोपड़ा की त्रिशूल रिलीज हुई थी। डॉन की रिलीज के आसपास ही सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी, राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम और प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी। डॉन अमिताभ के लिए इसलिए भी माइलस्टोन थी क्योंकि इसमें वे सोलो हीरो थे और डबल रोल में थे। फिल्म चलेगी नहीं चलेगी इस बात को लेकर चंद्रा के मन में जो डर था, वो रिलीज के शुरुआती हफ्ते में सही भी साबित हुआ। बहुत ज्यादा लोग फिल्म देखने नहीं आए, लेकिन दूसरे हफ्ते में कहानी बदल चुकी थी। जो भी लोग फिल्म देखकर थिएटर के बाहर आए, उन्होंने जमकर तारीफ की। फिल्म चल निकली और ऐसी चली कि आज इतिहास है। कई थिएटरों में
50 हफ्ते तो हैदराबाद में 75 हफ्ते चली। डॉन लंबी गाड़ियों, एक खास तरह के म्यूजिक, बेहतरीन गानों और अमिताभ की बेजोड़ एक्टिंग का एक मुरब्बा है। ऐसी फिल्म जो आज भी टीवी पर आती है तो फिल्मों के मुरीद किस्म के लोग रिमोट से चैनल आगे नहीं बढ़ा पाते। फिल्म सुपरहिट रही। चंद्रा ने एक बड़ी रकम नरीमन ईरानी की बीवी को दी ताकि वे कर्ज चुका सकें। ये वो दौर था जब लोग अपनों के लिए काम करते थे, अपनों की मदद करना चाहते थे बेतरह। एक बार चंद्रा से साहब से पूछा गया कि उन्होंने एक ही फिल्म क्यों डायरेक्ट की। इसका जवाब उन्हें बड़ी आसानी से दिया कि मुगले आजम के लिए के आसिफ जाने जाते हैं, और उसी फिल्म के बाद उन्हें शोहरत मिली। वे वन फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी और फिल्म को डायरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही है। डॉन के बाद चंद्रा को 52 फिल्मों के ऑफर आए, जिनमें से उन्होंने सिर्फ दो चुनी। एक थी दिलीप कुमार साहब के साथ मास्टर, और दूसरी थी सारिका के साथ तितली। मास्टर पूरी नहीं हो पाई और तितली बनने से पहले ही सारिका की शादी हो गई। 1989 में चंद्रा ने बंगाली फिल्म आश्रिता बनाई, जिसे 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, डॉन की कहानी। मित्रों, कोई भी चीज यूं ही नहीं हो जाया करती। हर एक चीज अपने में एक वजह समेटे होती है। हर काम बेहतरीन होता है, शानदार होता है, पर उसे करने की हमारी लगन उसे लाजवाब या कमाल का बना देती है। अमिताभ बच्चन से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि वे आज भी, जी हाँ आज भी, 78 साल की उम्र में शोहरत के इस मुकाम पर इस तरह शॉट देते हैं कि इसी शॉट से उनका करियर डिसाइड होने वाला है। शिद्दत, लगन, समर्पण, जज्बा, ऊर्जा, अपने काम को लेकर दीवानगी, पागलपन, इन सब से आपका काम सिर्फ आपका नहीं रह जाता, वो दैवीय हो जाता है। आप कहीं दूर खड़े रहते हैं और आपके काम को एक्लेम दुनिया करती है। वो काम होता ही ऐसा है कि दुनिया को एक्लेम करना पड़ता ही है। एक दो दिन, कुछ महीने, साल नहीं, दशकों तक आप सर्वश्रेष्ठ देने का मादा रखिए। उसे याद रखना और रिटर्न मिलना दुनिया पर छोड़ दीजिए। अगले हफ्ते शनिवार को 6 बजे आनी के यूट्यूब चैनल पर फिर सुनाऊंगा एक नई कहानी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद।